पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों कोलकाता में मेगा रैली की, जिसमें विपक्षी पार्टी के कई नेता शामिल हुए और इस दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। वहीं इस रैली को देखते हुए और महागठबंधन को देखते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महागठबंधन उनके खिलाफ नहीं बल्कि देश के लोगों के खिलाफ है। वैसे आपको बता दें, चुनाव से पहले मेगा रैली में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, उससे मोदी सरकार को झटका लगा है। वहीं गौर करने वाली बात तो यह है कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। अगर यूपी में सपा बसपा 50 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो यूपी में बीजेपी वैसे ही निचले पायदान पर आ जाएगी। आपको बता दें, इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आज देश की जनता मोदी सरकार से काफ़ी नाराज़ है। बेरोजगारों को इन 4 सालों में रोजगार नहीं मिला है, युवाओं के लिए सरकारी पदों पर नौकरियां नहीं निकली, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ। इन सब वजहों के चलते जनता ने मोदी सरकार से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। साथ ही साथ साधु संत भी आज मोदी सरकार से नाता तोड़ने की बात कह रहे हैं। 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।